Today I am going to revise chapter Russian Revolution. So there was revolt and three revolts in Russia. You have read French Revolution. वहाँ पे आपने एक ही revolt पढ़ा था 1789 में 14 July 1789. Whereas in Russia there were three revolts. Russia में आपने three revolts पढ़े हैं. रशिया फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया में सोशलिज्म स्प्रेड हो रहा था. यूरोप की कंट्रीज में सोशलिज्म स्प्रेड हो रहा था एंड दैट वाज स्प्रेडिंग इन रशिया आल्सो. तो रशिया एक फर्स्ट कंट्री थी जो सोशलिस्ट बनी. रशिया फर्स्ट कंट्री थी जो कम्युनिस्ट बनी. तो ये कम्युनिस्ट कंट्री फर्स्ट कंट्री दैट बिकेम कम्युनिस्ट रशिया फर्स्ट कंट्री दैट बिकेम सोशलिस्ट रशिया. तो रशिया में थ्री रिवोल्ट्स हुए फर्स्ट इन 1905 फेब. फिर आप कहते हो 1917 फेब में एक रिवोल्ट हुआ. देन 1917 अक्टूबर मंथ में फिर रिवोल्ट हुआ. फर्स्ट रिवोल्ट 1905 में हुआ. फिर अगला रिवोल्ट 12 साल बाद जाके दो रिवोल्ट हुए 1917 अक्टूबर में. तो रशिया में थ्री रिवोल्ट्स हुए. तो रशिया का जो रूलर था ना दैट वाज जार निकोलस टू. जार निकोलस टू ही वाज द रूलर ऑफ रशिया. जार निकोलस टू. जार निकोलस टू के पीरियड में टू रिवोल्ट्स हुए. एक तो 1905 वाला, एक 1917 फेब वाला. उसके बाद थर्ड रिवोल्ट में जार नहीं था. जार अपना थ्रोन छोड़ चुका था थर्ड रिवोल्ट के टाइम. तो जार निकोलस टू के पीरियड में टू रिवोल्ट्स हुए. अब रशिया में रिवोल्ट क्यों हुए? जार जो था ना वो रशिया को बैकवर्ड कंट्री उसने रखा हुआ था. ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ द डिवेलपमेंट ऑफ रशिया. क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता था कि अगर डिवेलपमेंट हो गई तो लोग उसकी फेवर में नहीं रहेंगे. तो जार के अंदर रशिया वॉज बैकवर्ड कंट्री. रशिया के पास कोई मॉडर्न वेपन्स नहीं थे. तो कोई डेवलपमेंट वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं थी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप पढ़ते हो सबसे पहले ब्रिटेन में आया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट केम इन ब्रिटेन एंड लेट इस कंट्री में आया रशिया. रशिया में बहुत देर बाद आया. सबसे पहले ब्रिटेन में आया, रशिया में लेट आया ये रेवोल्यूशन. जार इसकी फेवर में नहीं था. तो रशिया में क्यों 1905 का रिवोल्ट हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रशिया में ये रिवोल्ट किए किसने? वर्कर्स ने. वर्कर्स ने रिवोल्ट किए. फ्रांस का तो आप पढ़ते हो कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेट में पड़ा हुआ था. तो फ्रांस की सोसाइटी तो थर्ड स्टेट के लोगों के साथ इनजस्टिस होता था. तो दैट्स व्हाई उन्होंने रिवोल्ट किए. रशिया में ये रिवोल्ट वर्कर्स ने की. वर्कर्स जो थे ना उनकी वर्किंग कंडीशन इन रशिया वॉज वेरी पुअर. उनके वेजेस कम थे. वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे. उन्हें डॉर्मिटोरीज में रहना होता था. बड़ा सा हॉल जिसमें बेड लगे हुए थे. तो कहीं ना कहीं वर्कर्स जो थे ना इनकी कंडीशन पुअर थी. दैट्स वाई दे रिवोल्टेड. वैसे भी रशिया में सोशलिज्म स्प्रेड हो रहा था. और रशिया में सोशलिज्म के कारण लोग अब चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है ना वो इंडिविजुअल के हाथ में ना रहे, वो स्टेट के अंडर चली जाए. तो ड्यू टू सोशलिज्म रशिया में रिवोल्ट हुआ. लोग सोशलिस्ट बनते जा रहे थे. सोशलिज्म की फेवर में थे. तो देयर वाज रिवोल्ट. फिर हम कहेंगे कि जार का पीरियड रूल जो था दैट वाज, हम कहेंगे कि एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की थी. डेस्पोटिक रूल वाज देयर. तो जार जो था उसने रशिया को बैकवर्ड कंट्री रखा हुआ था. जार की जो वाइफ जरीना, शी वाज नॉट गुड पार्टनर. जरीना वाज नॉट गुड पार्टनर. शी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रास्पुतिन. एक मॉन्क था. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉन्क रास्पुतिन. रास्पुतिन के अंडर थी वो. उसके इन्फ्लुएंस के अंडर थी. उसकी बात मानती होती थी. तो रास्पुतिन उसे जो भी कहता वो जार से करवाती थी. इस वजह से वो कहीं ना कहीं जार को मिसगाइड करती रहती थी.
So Zarina was not a good partner. She was under the influence of monk Rasputin. तो एक तो ये भी रीजन था. जार के अंडर रशिया वैसे भी डेवलप कंट्री थी. तो नेक्स्ट अगर हम बोलें और क्या रीजन थे, तो हम कहेंगे कि रूसो जापानीज वार हुई. रूसो जापानीज वार. इस वार में अब रशिया बड़ी कंट्री थी, जापान एक छोटी सी कंट्री थी. तो रूसो जापानीज वार में रशिया गॉट डिफीटेड. रशिया हार गया. दिस वॉज नॉट टॉलरेटेड बाय द पीपल ऑफ रशिया. उनको कहीं ना कहीं लगा कि फॉर दिस डिफीट जार इज रिस्पॉन्सिबल. कि क्योंकि रशिया के पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, बैकवर्ड रखा हुआ था रशिया को. तो पीपल हेल्ड जार रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट. तो इसी वजह से जार के अगेंस्ट होते चले गए. जार अनपॉपुलर होता चला गया क्योंकि लोगों को लगा कि स्टीफिन के छोटी सी कंट्री से हारना उनको अपनी प्रेस्टीज के अगेंस्ट लगा. रशिया के लोगों को उनकी प्रेस्टीज के अगेंस्ट लगा. तो दे हेल्ड जार रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट. एक तो ये. फिर हम कहते हैं ब्लडी संडे. ब्लडी संडे वहां का हम कहते हैं इमीडिएट कॉज बना. इमीजिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1905. अगर आपसे 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछा जाए व्हाट यू नो अबाउट द इमीजिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1905, तो आपने कोई भी कॉजेज नहीं लिखने, आपने सीधा ब्लडी संडे लिखना है. दिस इज द इमीजिएट कॉज. ये इमीजिएट कॉज था ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1905. अब क्या हुआ, ब्लडी संडे मीन संडे का दिन था. वर्कर्स जो थे दे वर गोइंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेशन. एक प्रोसेशन की फॉर्म में जा रहे थे अंडर फादर गेपन. फादर गेपन के अंडर जा रहे थे टू विंटर पैलेस. इधर जा रहे थे विंटर पैलेस. विंटर पैलेस गार के पैलेस का नेम है विंटर पैलेस. तो वर्कर्स in the form of procession were going towards winter palace under father gepan to tell their problems to tsar. ye log to sirf apni problems discuss karne ja rahe the. peaceful procession tha. it was a peaceful procession. koi aisi baat nahi thi is procession mein. but tsar ko laga ki uske palace ki taraf aa rahe hain. to tsar ordered the army टू फायर ऑन पीपल. जार ने उस प्रोसेशन पे फायरिंग करवा दी. एंड इन दिस 100 वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइफ एंड मैनी गॉट इंजर्ड. इस प्रोसेशन में 100 वर्कर्स की डेथ हो गई. जार ने क्योंकि ऑर्डर कर दिया था टू फायर ऑन दीज पीपल, 100 वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइफ एंड नियर अबाउट 300 पीपल गॉट इंजर्ड. So this incident in Russian history came to be known as Bloody Sunday. So iska naam pad gaya Bloody Sunday and became the immediate cause of the revolt of 1905. Ab aapka topic hai, aapko likhna hoye ki revolt of 1905 ke causes batao. So first cause aap kya bataoge? Absolutist monarchy, despotic rule. Czar ka rule jo tha wo despotic tha. उसे फ्रिच लोगों से कंसल्ट करता होता था बस. और जार की वैसे भी आप बताओ कि इसके अंडर रशिया बैकवर्ड कंट्री थी, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, वाइफ भी अच्छी पार्टनर नहीं थी. तो शी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉन्क रास्पुतिन, ऑलवेज मिसगाइडेड जार. फिर आप सेकंड रीजन बताओगे स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म, कि सोशलिज्म स्प्रेड होता जा रहा था. सोशलिज्म यूरोप की कंट्रीज में आ चुका था एंड नाउ इट वॉज स्प्रेडिंग टू रशिया. रशिया के लोग सोशलिज्म की फेवर में थे, तो दैट्स वाई दे आर प्रोटेस्टेंट. नेक्स्ट आप बताओगे रूसो जापानीज वार. इसमें आप बताओगे कि रूसो जापानीज वार में आप बताओगे कि जापान एंड रशिया में वार हुई और उस वार में रशिया गॉट डिफीटेड फ्रॉम अ स्मॉल कंट्री जापान. पीपल हेल्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट.
This was not tolerated by them, that due to backwardness, and at that time they had no modern weapons. That's why they got defeated from small country of Japan. People held us as responsible. They considered it against their prestige. इस बात को कहीं ना कहीं वो अपनी प्रेस्टीज के अगेंस्ट समझ रहे थे कि एक छोटी सी कंट्री से हारना, तो लोगों ने ज़ार को इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया। फिर हम कहेंगे पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की कंडीशन बहुत पुअर थी। देयर वर्किंग आवर्स वर मोर, वेजेस वर लेस। तो वर्कर्स वैसे भी इंडस्ट्रीज मोस्टली सेट अप बाय फॉरनर्स, तो वर्कर्स वर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, तो वर्कर्स ने रिवोल्ट किए। फिर हम कहेंगे ब्लडी संडे। ब्लडी संडे बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ दिस रिवोल्ट। तो ऐसा क्या हुआ, पीसफुल प्रोसेशन वॉज गोइंग, पीसफुल प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स वॉज गोइंग टूवर्ड्स विंटर पैलेस अंडर फादर गेपन टू टेल देयर, टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद ज़ार। ज़ार ऑर्डर्ड द आर्मी टू फायर ऑन पीपल। 100 people lost their life and 300, near about 300 got injured. तो पीपल जो थे वो भड़क गए, एंड ये जो था फायरिंग जो थी इसके कारण हम कहेंगे कि ये जो रीजन था ना, ये बन गया इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट। इसे रशिया की हिस्ट्री में इस संडे था, तो उसको कहा गया ब्लडी संडे। तो ये बन गया इमीडिएट कॉज ऑफ दिस रिवोल्ट। तो दीज वर द कॉजेस जो अभी मैंने बोले हैं। अब इम्पैक्ट्स क्या पड़े, इस रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ब्लडी संडे इंसिडेंट हुआ था, तो लोगों ने पूरे रशिया में स्ट्राइक्स की। देयर वर स्ट्राइक्स इन होल रशिया। स्कूल कॉलेजेस बंद थे, तो पीपल वर प्रोटेस्टिंग एवरीवेयर अगेंस्ट ज़ार। लोग वायलेंट हो रहे थे, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जगह जगह वायलेंस हो रही थी रशिया में ड्यू टू दिस रिवोल्ट। अब लोग जो थे वो चाहते थे द क्रिएशन ऑफ डूमा। लोग कहते थे कि ज़ार को डूमा क्रिएट करें। डूमा किसको कहा गया, रशिया की पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को रशिया। People wanted to create Duma, Russian Parliament को कहा गया। ज़ार को अब लगा के उस पीस मेंटेन करने का सिर्फ यही रास्ता है, तो ही क्रिएटेड डूमा, इसने डूमा क्रिएट कर दी। बट ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज इसके आने से उसकी कहीं ना कहीं पावर्स जो थी वो रिड्यूस हो चुकी थी। तो ज़ार डिडंट वॉन्ट द रिडक्शन ऑफ हिज पावर्स, वो नहीं चाहता था। तो कहीं ना कहीं उसकी पावर्स रिड्यूस हुई, तो ही डिडंट वांट द रिडक्शन ऑफ हिज पावर्स। दैट्स व्हाई ही सस्पेंडेड डूमा आफ्टर 75 डेज। मींस इतने दिन उसने वेट की, जैसे ही पीस मेंटेन हो गई ज़ार ने डूमा को सस्पेंड कर दिया। तो दिस इज द, दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ दिस रिवोल्ट। फर्स्ट इज आप कहोगे तो पूरे रशिया में स्ट्राइक्स हुई, लोगों ने पूरी हर जगह प्रोटेस्ट किए, वायलेंट हो गए लोग, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए। फिर हम कहेंगे लोगों ने कहा ज़ार को डूमा क्रिएट करने के लिए, तो ज़ार हैड टू क्रिएटेड डूमा, उसे डूमा क्रिएट करनी पड़ी। बट ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विद दिस हिज पावर गॉट रिड्यूस्ड। सो ही डिडंट वॉन्ट द रिडक्शन ऑफ हिज पावर्स, and that's why he suspended Duma after 75 days when peace was maintained. जैसे ही peace maintain हो गई उसने Duma को suspend कर दिया। तो ये है first revolt 1905 causes and impacts। अब ज़ार ने क्या किया, रशिया में हर जो भी parties थे ना, different parties, सबको illegal declare कर दिया उसने। रशिया में सारी पार्टीज इलीगल डिक्लेयर कर दी, और तब आगे फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1914 एंडेड इन 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन जर्मनी, तो इसलिए इसको मैं इतना डिटेल में नहीं बोलूंगी,
किस किस में हुई, यू नो इट वेरी वेल बिकॉज यू हैव रेड इन जर्मनी आल्सो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी 1914-1918। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जार बिकेम मोर अनपॉपुलर, और ज्यादा अनपॉपुलर हो गया। जारिस्ट ऑटोक्रेसी क्लैप्स्ड, इसी के कारण हुई। जार और ज्यादा अनपॉपुलर हो गया। अब क्या हुआ इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वी आर सेइंग यहाँ पे भी आपने कहा कि रशिया के पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, तो रशिया वॉज नॉट इन कंडीशन टू टेक पार्ट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट जार पार्टिसिपेटेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज ही वॉज मिस गाइडेड बाई जरीना। जरीना ने उसे मिस गाइड किया था। जरीना वॉज टोल्ड बाई रास्पुतिन, जो मॉन्क था उसने जरीना को बताया था इफ जार पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिज पावर जो है ना दैट इंक्रीज टू इंटरनेशनल लेवल, वो इंटरनेशनल लेवल तक उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो जरीना फोर्स जार टू टेक पार्ट इन दिस वार एंड जार पार्टिसिपेटेड, उसने इस वार में पार्टिसिपेट कर लिया। ही हैड नो मॉडर्न वेपन्स बट ही पार्टिसिपेटेड। अब जार ने जब वार में पार्ट लिया तो उसके पास कौन सा आर्मी थी, तो उसके पास आर्मी भी नहीं थी, दैट्स व्हाई ही फॉलोड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। अब क्या होता है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, ही फोर्स्ड पीजेंट्स एंड वर्कर्स ऑफ रशिया टू ज्वाइन द आर्मी। अब उनको तो फाइट करना आता ही नहीं था, वो तो पीजेंट्स एंड वर्कर्स थे, बट जार फोर्स्ड है, उन्हें फोर्स किया गया। ही फॉलोड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट एंड फोर्स्ड पीजेंट्स एंड वर्कर्स टू ज्वाइन द आर्मी, उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। तो मैनी पीपल लॉस देयर लाइफ, मैनी गॉट इंजर्ड, ह्यूज प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि रशिया एक पार्टी थी उस वार में, अलाइड पावर्स का पार्ट थी। तो बहुत सी डिस्ट्रक्शन हुई रशिया में, बहुत लोग मर गए, ह्यूज प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड, बहुत डिस्ट्रक्शन। तो लोग जो थे ना वो जार के अगेंस्ट होते चले गए। वैसे भी रशिया में देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, बहुत से लोग रिफ्यूजीज बन गए, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई बिकॉज पीजेंट्स जो थे वो बाहर लड़ने गए हुए थे। तो रशिया में फूड ग्रेन्स ग्रो नहीं हो रहे थे, एंड जो थोड़े बहुत ग्रो भी होते थे दे वर सेंट टू फीड रशियन आर्मी, वो आर्मी को बेचे जाते थे। तो देर वॉज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन रशिया, और फिर साथ में इंडस्ट्रीज जो थी वो बंद हो चुकी थी। इंडस्ट्रीज वर शट डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिकॉज वर्कर्स वेंट टू फाइट वार। वर्कर्स भी किधर गए हुए थे, वार लड़ने, तो पीछे से इंडस्ट्रीज बंद हो गई। अब थोड़ी बहुत जो फॉरनर्स रशिया में इंडस्ट्रीज सेटअप करते थे ना, उन्होंने भी सेटअप करनी बंद कर दी। क्यों बंद की, बिकॉज वहां पे तो काम ही नहीं हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि डेवलपमेंट जो थोड़ी बहुत हो भी रही थी ना वो रुक गई, रशिया में डेवलपमेंट जो थी दैट वॉज स्टॉप्ड। तो ड्यू टू दीज रीजंस, अब ये सारे इतने सारे रीजंस के कारण जार क्या हो गया, अनपॉपुलर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जार को और अनपॉपुलर कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1905 से ही लोग उसके अगेंस्ट चले आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो फिर भी रूल कर रहा था, वो उसने पार्टीज बैन की हुई थी, लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने देता था, अगर लोग प्रोटेस्ट करते थे तो इलीगल था, कहीं ना कहीं वो रूल कर ही जा रहा था लोगों को, क्योंकि उसने बैकवर्ड रखा हुआ था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वेपन्स ही नहीं थी, आर्मी नहीं थी, बट रास्पुतिन ने जरीना को बोला एंड जरीना ने जार को बोला टू पार्टिसिपेट इन दिस वार। तो जार ने पार्टिसिपेट किया, क्या नहीं तो उसके पास ना तो मॉडर्न वेपन्स ना ही सोल्जर्स। तो अब सोल्जर्स उसने किनको बनाया, पीजेंट्स एंड वर्कर्स को फोर्स किया टू ज्वाइन द आर्मी। अब वो लोग जिनको आता ही नहीं था, वो कितने लोग वार में मारे गए, मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, मैनी पीपल बिकेम रिफ्यूजीज, ह्यूज प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड, फूड ग्रेन्स नहीं थे, जो थोड़े बहुत थे भी वो किधर जा रहे थे, टू फीड द रशियन आर्मी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, रशिया में इंडस्ट्रीज भी शट डाउन हो रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज में वर्कर्स ही नहीं थे, फॉरनर्स ने डेवलपमेंट जो थी, जो फॉरनर्स वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा रहे थे उन्होंने लगानी बंद कर दी, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो थी दैट वॉज स्टॉप्ड। तो ड्यू टू दीज रीजंस जार बिकेम अनपॉपुलर। अब पीपल का क्वेश्चन आता होता है
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनपॉपुलैरिटी ऑफ सार? जार की अनपॉपुलैरिटी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण हुई, तो आपने वो लिखना। आपने बताना कि उसके अंडर रशिया बैकवर्ड कंट्री थी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, वेपन्स नहीं थे, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, फिर भी पार्टिसिपेट किया। फिर आपने बताना है कि बहुत से लोग मारे गए एंड बहुत से रिफ्यूजीज हो गए, कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। फिर आपने बताना है कि फूड ग्रेन्स नहीं थे, जो थोड़े बहुत ग्रो होते थे वो किधर जा रहे थे, कि फीड द आर्मी, क्योंकि वहाँ पे पीजेंट्स नहीं थे। फिर आपने कहना है कि वर्कर्स नहीं थे तो इंडस्ट्रीज क्या हो रही थी, शटडाउन हो रही थी, इंडस्ट्रीज के काम बंद हो रहे थे, फॉरनर्स ने पैसा लगाना बंद किया, तो इस वजह से डेवलपमेंट जो थी वो सारी रुक सी गई थी रशिया में। तो जार जो था वो लोगों में अनपॉपुलर हो गया, कहाँ वो इस रिवोल्ट से अनपॉपुलर चलता आ रहा था। ये रिवोल्ट को ना रिवोल्ट ऑफ 1905 हम कहते हैं। ड्रेस रिहर्सल फॉर अदर टू रिवोल्ट्स, ड्रेस रिहर्सल फॉर अदर टू रिवोल्ट्स, मतलब इस रिवोल्ट को ड्रेस रिहर्सल बोला गया। और बाद में दो रिवोल्ट जो हुए वो 1917 अक्टूबर में हुए, ठीक है। अब 1970 हम करते हैं फेब के रिवोल्ट के सिर्फ कॉजेस, आज सिर्फ मैं यहाँ तक कराऊंगी कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1917। 1905 के कर लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर ली, 1917 के रिवोल्ट के सिर्फ कॉजेज कराऊंगी आज, क्योंकि वो इसी से मैच होते हैं, सेम है। कौन कौन से पॉइंट सेम लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, ठीक है, पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स सेम, सोशलिज्म स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म सेम। यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे नो, अपने ही लिखोगे, क्योंकि ये तो हुई 1905 में, तो उसका लोग 17 की बात कर रहे हैं, तो आप ये नहीं लिखोगे, ठीक है। आप लिखोगे फर्स्ट, आप लिखोगे एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, फिर आप लिखोगे कि पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स, फिर आप बताओगे सोशलिज्म, फिर आप बताओगे यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम खुद ही यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो मेन रीजन बनी उसकी अनपॉपुलैरिटी का, तो यहाँ पे इसकी जगह आप लिख दोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और अभी जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, आपने बिल्कुल शॉर्ट में ला के यहाँ पे लिखना है। आपको इतना बड़ा वो तो लग क्वेश्चन है ना, हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनपॉपुलैरिटी ऑफ जार, अगर वो आता है फिर आपको डिटेल में लिखना है। अगर आप यहाँ पे पजल्स में लिख रहे हो तो आपको शॉर्ट में लिखना है, उसी सारे टॉपिक को बहुत शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। तो इमीडिएट कॉज इस रिवोल्ट का, इमीडिएट कॉज क्या बना? एक ना वर्कर को उसकी जॉब से निकाल दिया गया, तो उस वर्कर की फेवर में 50 फैक्ट्रीज में स्ट्राइक हुई रशिया में, 50 फैक्ट्रीज में स्ट्राइक हुई कि उस वर्कर को दोबारा जॉब मिल जाए। अब वर्कर्स भड़क गए, 50 फैक्ट्रीज में स्ट्राइक हुई, वर्कर्स फ्रॉम देयर एरियाज केम आउट, क्रॉस द रिवर नेवा, उन्होंने नेवा रिवर को क्रॉस किया एंड केम टूवर्ड्स द हाउसेज ऑफ रशियन ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के घरों की तरफ आ गए एंड अटैक्ड, वहां पे आके उन्होंने अटैक किए। जार सेंट आर्मी, जार ने सोल्जर्स भेजे, आर्मी भेजी। अब इस बार क्या हुआ, सम ऑफ द सोल्जर्स दे ज्वाइंट देयर हैंड्स विद स्ट्राइकिंग वर्कर्स, कुछ सोल्जर्स ने ना अपने हैंड ज्वाइन कर लिए वर्कर्स के साथ, वो वर्कर्स की फेवर में चले गए। सम ऑफ द स्ट्राइक सोल्जर्स दे ज्वाइंट देयर हैंड्स विद स्ट्राइकिंग वर्कर्स। तो अब नेक्स्ट डे डेलीगेट्स ऑफ वर्कर्स एंड जो इनके साथ सोल्जर्स मिल गए थे इनके साथ, वो वेंट टू सी जार, जार को मिलने गए एट पेट्रोग्राड सोवियत, वियर डूमा मेट, जहाँ पे डूमा की मीटिंग होती थी। दे वेंट टू सी जार एंड एडवाइज्ड हिम टू गिव अप हिज थ्रोन, तो जार एग्री कर गया, बिकॉज उसको दिख रहा था कुछ भी उसकी फेवर में नहीं है, उसको सारी कंडीशंस दिख रही थी कि उसकी फेवर में अब कुछ भी नहीं है,
उसने अपना थ्रोन छोड़ दिया। मैंने बोला है नेक्स्ट डे डेलीगेट्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स एंड सोल्जर्स जो उनके साथ हैंड फाइन किए थे वेंट टू सी जार एट पेट्रोग्राड सोवियत वेयर डूमा मेट एंड एडवाइज्ड जार। उन्होंने जार को एडवाइस किया टू गिव अप हिज थ्रोन। जार एग्री और उसने अपना थ्रोन छोड़ दिया। अब जैसे उसने अपना थ्रोन छोड़ा तो रशिया में मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट केम टू एन एंड। मोनार्की जो थी वो उसका एंड हो गया। अब रशिया में आएगी फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज सेट अप इन रशिया आफ्टर द एंड ऑफ मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एंड हो गया। ज़ार ने भी थ्रोन छोड़ दिया। तो अब रशिया में आई प्रोविंशियल फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज सेट अप इन रशिया और वो किसके अंडर आई क्रेंजकी। क्रेंजकी के अंडर बनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज सेट अप इन रशिया अंडर क्रेंजकी। अब क्रेंजकी जो था ना वो था तो ज़ार का सपोर्टर बट क्रेंजकी के पीरियड में क्रेंजकी का एंड जो था डाउनफॉल जो था वो जल्दी हुआ। क्रेंजकी की गवर्नमेंट आते ही अनपॉपुलर हुई। तो क्रेंजकी क्यों अनपॉपुलर हुआ वी विल डू ऑन टुमारो। ठीक है आज आपने रशिया का रिवोल्ट 1905 एंड साथ में उसके कॉजेस इम्पैक्ट देन फर्स्ट वर्ल्ड वार वाई ज़ार बिकेम अनपॉपुलर ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड देन आपने पढ़ना है कि causes of revolt of 1970. I will repeat causes again on tomorrow. Causes of revolt of 1970.